हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो हमारे रिमेनिंग रूल्स थे उनकी आज हम वीडियो बनाएंगे। आपने पहले वाली वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। जो हमारे पेंडिंग रूल्स हैं वो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर 8th रूल। द फॉलोइंग वर्ड्स आर सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अगर वो कैसे हो, सिंगुलर है वो वर्ड्स और वो वर्ड्स वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईच वर्ड सुना होगा, एवरी सुना होगा, एवरी वन सुना होगा, एनी वन सुना होगा, आइदर, नाइदर, मैनी, नन, नोबडी, मैनी, अ। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। अब इनको हम अननोन नाउन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट तो बॉयज दिखाई दे रहा है, एस है यानी प्लूरल है सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर हैज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, ईच लगा हुआ है यानी सिंगुलर वर्ड लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा, बोथ एंड मैनी आर प्लूरल। बोथ वर्ड सुना होगा आपने, बोथ दो के लिए यूज किया जाता है और मैनी तो बहुत सारे के लिए यूज किया जाता है, तो दोनों ही वर्ड क्या है, प्लूरल है। इसीलिए वो वर्ब भी, दे टेक प्लूरल वर्ब्स, वर्ब भी कैसी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बोथ द ब्रदर्स आर हार्ड वर्किंग। बोथ मीन्स है दोनों। अब दोनों भाई कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है, आर वर्ब लगी है, आर वर्ब कैसी है, प्लूरल। हमारा नेक्स्ट रूल आता है, When two or more singular subjects are joined by or, nor, either or, neither nor, not only but also, the verb must agree with the later subject. Later means बाद में। अब क्या है, इनका पेयर होता है either or का, neither nor का, not only but also का। जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और वो ज्वाइंट होते हैं इन वर्ड से, तो वर्ब हमारी क्या होती है, लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आइदर राम और गीता हैज कंप्लीटेड दिस वर्क। अब राम और गीता दो सब्जेक्ट है, लेकिन हमें वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट देखना है, बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है, गीता। गीता के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है हमारी सिंगुलर, हैज वर्ब लगी है। नेक्स्ट रूल भी ऐसा ही है, हमें ध्यान से देखना है। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, आर ऑफ डिफरेंट पर्संस। अब हमने बात की है पर्संस की, सभी को पता है तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब पर्संस की हम बात करते हैं तो वर्ब एग्री करती है नियरर सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट वर्ब के पास हो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल को देखते हैं, आइदर हर और आई एम मिस्टेकन। अब यहाँ पे एक पर्सन हो गया हर, जो कि थर्ड पर्सन है, यहाँ हो गया आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए जो वर्ब आई है वो है एम, यानी इस सब्जेक्ट के नजदीक जो वर्ब लगेगी वो लगेगी एम, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना, When the subject is relative pronoun, relative pronoun क्या होता है, जैसे who हो गया, whom हो गया, whose हो गया, where हो गया, the verb must agree in number and person with the antecedent of the relative pronoun. जो relative pronoun से पहले, antecedent means पहले, जो दे रखा है या subject जो दे रखा है या person जो दे रखा है उसके according ही हम verb लगाएंगे। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ही हु इज माई फ्रेंड विल हेल्प मी। अब यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले क्या दे रखा है, ही, तो हम ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे इज। नेक्स्ट रूल देखते हैं, When a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, जब कोई plural noun क्या शो करता है, क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी को दिखाता है या फिर अमाउंट को दिखाता है, तो उसको पूरा एक ही माना जाता है, एक कंसीडर कर लिया जाता है होल में। द वर्ब इज जनरली सिंगुलर, तो वर्ब कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 10 kilometers। अब यहाँ पे किलोमीटर्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, प्लूरल दिखाई देता है, लेकिन हमने इसको कंसीडर कर लिया पूरा एक, 10 kilometers,
इज अ लॉन्ग वॉक, तो हमारी वर्ब क्या रहेगी, इज यहाँ हमारी वर्ब रहेगी जो कि सिंगुलर है। हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा अ लोट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, व्हेन दे रेफर टू अमाउंट, जब अगर ये चीजें, ये वर्ड्स अमाउंट को शो करते हैं, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, तो कौन सी वर्ब रहेगी स्टूडेंट्स, हमारी सिंगुलर वर्ब रहेगी, क्योंकि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और अ मोस्ट ऑफ अगर अमाउंट के साथ यूज करेंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी। बट लेकिन व्हेन दे रेफर टू द नंबर अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, अगर यही वर्ड्स अगर नंबर को शो कर रहे हैं, नंबर को रेफर कर रहे हैं, तो वर्ब हमारी रहेगी प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क क्या है हमारा, वर्क हमारा सिंगुलर काउंट करेगा, अमाउंट है, और अमाउंट क्या शो करता है, वर्ब कैसी रहेगी हमारी, सिंगुलर वर्ब रहेगी, हैज लगेगा इसके साथ। अगर हमारी यहाँ पे नंबर होता तो क्या दिखाई देता, नंबर लग जाता तो वर्ब कैसी रहती, प्लूरल। नेक्स्ट रूल है जो कि हमारा लास्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, इस जो टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट रूल है ये हमारा अब लास्ट रूल है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अ नाउन नियर इट, अब इसमें ये बता रखा है जो नजदीक वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि प्रॉपर सब्जेक्ट को हमें जानना होगा, ढूंढना होगा कि सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम, द क्वांटिटी ऑफ दीज मैंगोज, आपको लगेगा कि मैंगोज क्या है, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, आपको दिखाई देगा कि ये मैंगोज क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगा दे, आर लगा दे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो हमारा रियल सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट है, वो क्या है, द क्वालिटी, क्वालिटी की बात की जा रही है मैंगोज की, कि जो मैंगोज की क्वालिटी है वो काफी खराब है, तो इसीलिए क्वालिटी के लिए हम इज का यूज करेंगे, ना कि आर का, मैंगोज के लिए हम आर नहीं लगाएंगे, बल्कि क्वालिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज। तो स्टूडेंट आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।